आप देख रहे हो रिद्धि रंजन ब्लॉग्स और मैं हूँ रिया आपके साथ। आज है 8th of May और अभी बज रही सुबह के 7 और मैं बस अभी उठी हूँ और आप मेरा गले का आवाज सुन के समझ सकते हैं कि मैं जस्ट उठ के ही कैमरा ऑन की हूँ। आज थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड निकल गए और आज का चाय उन्होंने बनाया, दूध टी नहीं बनाए, मेरे लिए ब्लैक टी बना के दे के गए और बोले कि उठ जाओ। तो वैसे भी उठ जाओ नहीं भी बोलते तो मैं उठ जाती, पर कभी आजकल मेरा दिन कुछ अच्छा ही जा रहा है। हस्बैंड चाय भी बना के दिए है और मैं चाय पीती नहीं हूँ पर वो बना के दिए तो हाथ में लेके बैठी हुई हूँ। तो बस यही सब चल रहा है। आज घर में कोई सब्जी भी नहीं है, अब क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है तो खाना बनाने का भी कोई टेंशन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर हम खाएंगे क्या। हस्बैंड ने कहा कि घर आते टाइम 1 मिनट, अभी भी नींद गया नहीं है। हस्बैंड ने कहा कि आते टाइम वो सब्जी लेके आ जाएंगे और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, अगर फिश मिले तो फिश लाएंगे, फिश को फ्राई कर लेंगे तो हार्डली 10-15 मिनट लगता है, और दाल अभी बस बनाएंगे और चावल और थोड़ा सा आलू को उबाल लेंगे, स्मैश पोटैटोज वगैरह ले लेंगे, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। इसलिए जब भी खाने का बहुत कुछ कम बनाना पड़ता है ना तो मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाता है, मेरी एनर्जी ना डबल हो जाती है। अब ये सुन के बहुत सारे आंटीज वगैरह मेरे से जो बड़े हैं उनको गुस्सा आएगा कि हम किस तरीके के हैं। हाँ, हम इस तरीके के ही हैं। मेरे को बहुत खुशी मिलता है जैसे अगर कोई शॉर्टकट वगैरह कुछ हो जाता है तो। कल शाम को भी बहुत बारिश हो रहा था, एक्चुअली कल रात से मेरे पास सब्जी नहीं था फ्रीजर में, इतना बारिश हो रहा था कि हस्बैंड निकल नहीं पाए। कल रात को भी आलू भाजी शॉर्टकट तो बहुत इजीली हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आज इतना खाना वो सब काम घर का नहीं है उतना कुछ तो फटाफट हो जाएगा, तो आज सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोग हो मेरे लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाए थोड़ा सा बात करने के लिए। और वैसे भी कितना दिन हो गया था हम लोग आराम से बैठ के बात भी तो नहीं किए थे। तो यही आप लोग के घर में सुबह सुबह, अभी तो बच्चे लोग स्कूल जा रहे होंगे और बहुत जन तो अभी तक उठे भी नहीं होंगे, तो जिसका जैसा काम वो तो कंटिन्यू रेगुलर में करना ही पड़ेगा। पता है आज क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जब निकल रहे थे तो मेरे गेट के बाहर पता नहीं एक डॉगी रोज आके हम लोग के गेट के पास ही पता नहीं क्यों वो एकदम पॉटी करके चला जाता है, और फिर हस्बैंड तो निकल जाते हैं, वो पूरा दिन भर गेट के पास रहता है। तो क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है तो आई ओनली हैव टू क्लीन इट, और भगवान ने सोचा अरे रिया तुम्हारे पास तो आज उतना कोई काम नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा काम तुमको खुद से ही दे दिया जाए। तो आज वही हालत हुई गेट के बाहर, मतलब थोड़ा स्टेप बाहर रखने की थोड़ा दूर में ही वो पड़ा हुआ है, और अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो हम लोग खुद ही उसको स्टैम्प कर देंगे और रूम के अंदर आ जाएगा, तो वो भी आज साफ करना ही। तो हम बोलना ही भूल गए थे, सुन के बहुत लोगों को हंसी आ रहा होगा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने बोला ना काम नहीं है, पर भगवान कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम आपके लिए सोच के पहले से अरेंज करके रख देता है। तो जैसे कि 2 दिन पहले मेरे बंगाल में तो इलेक्शन था, मम्मी वोट दे के आ गए, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप किसको वोट दिए, तो मम्मी बोलने लग गए जो पार्टी जीतेगा उसी को वोट दिए। फिर मैंने पूछा मम्मी कौन सा पार्टी जीतने वाला है, तो मम्मी ने कहा कि मैंने क्या तुमको पूछा तुमने किसको वोट दिया, तुम मेरे को क्यों पूछ रही हो। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने तो वोट ही नहीं डाला है, मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरा वोट तो मिसिंग है, हम तो पोलिंग बूथ तक पहुंचे भी नहीं है एंड इट इज माई बैड लक। फिर मम्मी गुस्सा करके बोलने लगे कि तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो फिर तुम लोग क्यों पूछ रहे हो मैंने किसको वोट दिया। तो मैंने मम्मी को बोला आप बहुत चालू हो, आप क्या करोगे जो जीत जाएगा उसके बाद आप बोलोगे हाँ मैंने तो इसको ही वोट दिया था इसीलिए ये जीता, मेरे वोट के वजह से ये जीता। फिर मम्मी थोड़ा सा गुस्सा करने लगे, मतलब गुस्सा अंदर से मजाक में, फिर मम्मी बात को टालने लग गई, हम लोग बार बार पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा अरे ये इलेक्शन वाला हुमली मतलब घर में भी एनवायरनमेंट में कैसे घुस चुका है, ये तो मतलब कुछ ऐवे ही कुछ डिफरेंट ही हो गया है। तो बस अभी चाय थोड़ा बहुत पिया है, पर मुझे ब्लैक टी उतना पसंद नहीं है, तो कैसे लग रहा है ना ब्लैक टी दूसरी तरीके का लग रहा है, हाँ मेरे टॉप का कलर का थोड़ा बहुत मैचिंग है। और क्या हो रहा है, प्लांट्स लाने वाले थे ना, प्लांट्स भी नहीं ला पा रहे। मेरे हस्बैंड को रोज निकलते टाइम सुबह बोलते हैं कि आते टाइम ना आप प्लांट्स लेके आइएगा कोई भी, रोज रात को आते हैं 9 बजे 10 बजे, फिर कहाँ प्लांट वाला 10 बजे तक बैठेगा, किसको इतना कमाई का जरूरत है जो एक कस्टमर के लिए बैठा रहेगा। और जिस दिन मैं बाहर निकली थी उस दिन भी इतना बारिश हो रहा था कि कोई जो बैठा था वो लोग सब उठ के चले गए थे, मुझे लगता है मेरा प्लांट्स खरीदना कभी नहीं हुआ।
और हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, कल अक्षय तीज था ना, आप लोग क्या खरीदे? मैं कुछ भी नहीं खरीदी, मैं कुछ भी नहीं खरीदी इसलिए क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था। हाँ वो एक रीजन था, इनफ ऑफ मनी नहीं था कि अक्षय तीज में कुछ खरीदे। दूसरा बात ये है कि मेरे हस्बैंड बोले हम लोग को साल भर में खरीदते रहते, ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, जब भी मन होता है कुछ खरीदना है जरूरत है तो खरीद लो, तो स्पेशली अक्षय तीज में क्यों खरीदे। तो मैंने कुछ नहीं खरीदा, आप लोग कुछ खरीदे? अगर खरीदेंगे तो जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा, दिखाइएगा आप क्या खरीदे। गोल का सामान ऐसे पे लड़की लोग को बहुत पसंद है, देखने के लिए भी और खरीदने के लिए भी, दोनों चीज के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो मैं उठ चुकी हूँ और अभी भी नींद पूरा मतलब है, मतलब हो सके तो मैं कैमरा वैमरा ऑफ करके दोबारा सो जाऊँ, पर नहीं, आप लोगों से बात करने के बाद मैं उठूंगी, साफ सफाई करूंगी। काम नहीं है, काम ढूंढने से बहुत काम मिल जाएगा, नहीं है बोलने से कोई भी काम नहीं है, वो सब करूंगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। तो मेरा वीडियो देखते रहिए आगे तक। तो घर का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट किया और मुझे अच्छा नहीं लगता है घर का काम दिखाना, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, कुछ अलग तो मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ जो आप लोगों को दिखाऊं। और कुकिंग वगैरह भी मुझे उतना शौक नहीं है, जब तक मैं कुछ और इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छा नहीं बनाती मैं नहीं दिखाती। आज लंच में प्रिपेयर हुआ है राइस दाल और बैंगन करी, जैसे एग करी बनता है तो मैंने बैंगन करी बनाया और कुछ सब्जी है नहीं। हस्बैंड आएंगे दोपहर को, जो सब्जी लाएंगे उसके बाद उसके कुछ एड ऑन होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, तो वो है ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स आप थोड़ा सा गेस कर ही सकते हो कहाँ से आया है। ये वाला बॉक्स आया है नायका से। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि नायका में कुछ हॉट पिंक सेल चल रहा था, तो हॉट पिंक सेल के अंडर में मैंने कुछ सामान परचेज किया है एंड आई वुड लव टू शेयर विथ यू पीपल व्हाट आई हैव परचेज्ड। एंड मुझे काफी डिस्काउंट में मुझे नायका ने दिया है और मुझे नहीं बाकी सब लोगों को ही मिला है, और एक्स्ट्रा एड ऑन मेरे पास कूपन था तो काफी सस्ता पड़ गया। तो पहला प्रोडक्ट जो मैंने लिया है नायका से वो है इन कलर का ये ओसो स्पेशल पैलेट, कि बहुत ही सुंदर है दिखने में एंड वेरी इकोनॉमिक बजट हाई पिगमेंटेड। अगर आप चाहते हो फॉर बिगनर्स कोई अच्छा आई शेडो पैलेट तो यू कैन ऑफकोर्स परचेज दिस वन। इसमें मुझे मिला था 10% ऑफ। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, वाओ इट्स लुक गॉर्जियस, इट लुक्स गॉर्जियस। और इसको खोलने के लिए फ्रंट साइड से ऐसे खोले तो ये है इसका शेड्स। रुकिए मैं इसका ये ट्रांसपेरेंट कवर निकाल के दिखाती हूँ। द शेड्स आर ऑसम। मैं अभी स्वॉच करके इसका पिगमेंट्स मैं नहीं दिखाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज कि ये नया आया है एंड आई डोंट फील लाइक स्वॉचिंग। मैं इसको एक दिन ऐसे हाथ से स्वॉच करके दिखाने से तो कुछ उतना पता नहीं चलेगा, मैं एक दिन इसको यूज करके दिखाऊंगी कि कैसा है ये प्रोडक्ट और आप जरूर से जरूर इसको परचेज कर सकते हैं। सॉरी मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बिजी हो गई थी इसको ठीक करने में, इसका ट्रांसपेरेंट कवर लगाने में। ये काफी अच्छा है एंड दिस इज फ्रॉम इटली एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स है बहुत कुछ जो बाकी सब में है केमिकली फील्ड है। आई शेडो मतलब भी केमिकली फील, अगर आप बहुत ज्यादा हाई ब्रांड्स में नहीं जाओ। दिस इज फ्रॉम इन कलर्स चार्मिंग ऑफ अडोर्मी इटली 18 इटैली एंड 18 कलर आई शेडो पैलेट। मैंने कुछ इस तरह से चार प्रोडक्ट खरीदा है। एक है आई शेडो पैलेट, द एमआरपी एक्चुअल एमआरपी 425। उसके बाद मैंने खरीदा है मेबलिन नेल पेंट 110 एक्चुअल एमआरपी। फिर मैंने खरीदा है ये मेबलिन का लूज फिनिशिंग पाउडर, इसका एक्चुअल एमआरपी है 695। एंड मैंने ये खरीदा है एनवाईएक्स का सॉफ्ट मैट मेटालिक लिप क्रीम कोपेनहेगन, इसका शेड है कोपेनगम और जो भी इसको बोलते हैं, और इसका एमआरपी था 700। पर टोटल मिला के जितना भी बिल हो रहा है मुझे सिर्फ पे करना पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट ओनली 600 रुपीज फॉर ऑल द फोर, क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट कूपन था और ऑलरेडी नायका में भी सेल चल रहा था तो मुझे काफी सस्ता डील में मिला था और मैंने लिया था। और आप भी ऑफर जरूर से चेक कर सकते हैं एंड फर्स्ट लॉगिन पे भी कुछ रेफरल यूज करने पे आपको जरूर से कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आपको रेफरल लिंक चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेक कर लीजिएगा, आप डालिएगा तो थोड़ा बहुत और डिस्काउंट आपका बढ़ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मैं आज बालकनी में नहीं लेके गई ना पूरा दिन में, आज हाँ जरूर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा है क्या नहीं।
और थोड़ा बहुत अभी घर का काम करते हैं, कपड़ा समेटना वगैरह, और फिर लंच में क्या क्या फाइनली बना है हस्बैंड आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए आगे वीडियो देखिए और हम भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं तब तक। तो मैं और एक बात बताना आपको भूल गई थी, वो है बिग बाजार में अभी फ्यूचर पे ऐप डाउनलोड करने पे भी बहुत कुछ मिल रहा है। वो ये है कि टोटल में आपको 501 रुपीज मिलेगा। फर्स्ट आप इनिशियली डाउनलोड करके जैसे ही फोन नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे तो 101 रुपीज आपको मिलेगा वॉलेट में, फ्यूचर पे वॉलेट में, और बाकी 4 महीना 100x4 आपको मिलेगा। वो आप बिग बाजार में शॉपिंग करो तो कभी भी उसको रिडीम कर सकते हो। इसका कोई टोटल अमाउंट नहीं है कि 1000 रुपीज करो तभी आप 100 रिडीम कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो जरूर से ये ऑफर ले लेना, क्योंकि ये कुछ रेफरल भी नहीं चाहिए, ऐसे ही मिल जा रहा है तो क्यों नहीं ले। तो मुझे लगा आप लोगों को बोलना जरूरी है, जिन लोगों ने एड्स वगैरह फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फ्यूचर पे ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा, तो आपको ये ऑफर रिडीमेबल होगा, आपको ये ऑफर मिलेगा। तो मैं जाके थोड़ा बहुत और घर का काम करती हूँ, थोड़ी देर में वापस आपसे मिलती हूँ। हम लोग का दोपहर का लंच हो गया है और बाय मिस्टेकनली हम लोग खाना खा चुके हैं और मैं आपको दिखाना भी भूल गई कि आज दोपहर को मैं क्या बनाई थी। वैसे मैं बोल दूँ दोपहर को आज फिश फ्राई बना था, और फिश को फ्राई कर लिए थे, बैंगन का करी और थोड़ा सा करेला आलू स्मैश्ड और दाल और राइस, ज़्यादा कुछ नहीं बना था। तो अभी वैसे मेरे हस्बैंड को आम खाने का बहुत मन कर रहा है तो उन्होंने बोला थोड़ा आम काट के लाने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि चलिए थोड़ा सा आम काटा जाए और आप लोग के साथ कुछ शेयर भी किया जाए इस बारे में। अच्छा, हम लोग सब आम बहुत मज़े से प्यार से खाते हैं, आप लोगों को पता है इसमें क्या गुण है, क्यों आम को फलों का राजा बोला जाता है? जस्ट बिकॉज कि ये खाने में स्वादिष्ट है और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है इसलिए इसको आम का राजा? नहीं, आम में बहुत सारे फायदे हैं, आम में बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग हमेशा सोचने लगते हैं कि शुगर पेशेंट को आम नहीं लेना चाहिए, आम में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज और शुगर कंटेंट है, पर एज सच अगर आपका ज़्यादा शुगर नहीं है तो आम में बहुत सारे फायदे हैं। नंबर वन, सबसे पहला फायदा, रिसर्च में पाया गया है कि आम कैंसर को प्रतिरोध करता है, हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम को कैंसर होने से बचाता है, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है आम लेने से। अगर रात को आप लोगों को सोने का प्रॉब्लम हो ना, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, तो आम लेने से वो भी थोड़ा कम हो जाता है। चेहरे पे रौनक भी बढ़ जाता है आम खाने से, और गर्मी में लू लगे कच्चा आम लीजिए, कच्चा आम का शरबत बहुत ज़्यादा मदददायक होता है। मेमोरी को स्ट्रांग करना है, 1 कप आम का पल, 1/2 कप दूध और 1 चम्मच जिंजर का जूस, अदरक का जूस मिला के पिए, ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है। आम ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, जिससे हम लोग का हार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आम में पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है, फाइबर है, पेप्टिन है, कितना कुछ है आम में। और इसके अलावा आम हम लोगों को हर तरीके से मदद करता है ताकि हम लोगों को ज़्यादा रोग बीमारी ये सब कुछ नहीं हो। तो हम लोग बस सोचते आम फलों का राजा, पर आम फलों का राजा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम और पेट का पत्थरी का प्रॉब्लम बोलते हैं आम लेने से कम हो जाता है। पत्थरी का तो मुझे इतना नहीं पता, पर अगर आम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आम लेने से सच्ची में ठीक हो जाता है। पर डिस्क्लेमर ये है कि हर चीज़ कभी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, चाहे फ़ायदा कितना ही हो, रोज़ उस चीज़ को नहीं खानी चाहिए। तो वैसे ही मैंने थोड़ा लेक्चर मार दिया, हम लोगों को आम खाना था तो मैंने सोचा चलिए मुझे जहाँ तक पता है आम का फ़ायदा एंड नुकसान वगैरह आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करते। मेरे जैसे आप लोगों को शायद मालूम है, पर मैंने जो याद आया फटाफट आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। तो चलिए थोड़ा सा आम खा लेते और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आज घूमने जाएंगे, तो इसीलिए फटाफट सब कुछ कर रहे हैं।
मैं ना थोड़ा अभी आटा गूंद ले रही हूँ बाहर जाने के पहले, बाहर से आने के बाद एकदम मन नहीं करता है और हम लोग ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाते, तो आटा गूंद के रखी जा रही हूँ। और सब्जी मैंने ऑलरेडी बना लिया है जो खेत ढका हुआ है, सब्जी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और कढ़ाई का हालत बहुत खराब है, जल चुका है, कढ़ाई को ठीक से आके मांझना है, अभी बहुत हड़बड़ी है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो जाने के पहले थोड़ा सा ये सब काम करके जाते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, आज ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट निकलना है, तो फिर से वापस कल मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके, कुछ अच्छा सीखने का कोशिश करते हैं। और आप लोगों को लाइक तो जरूर से करना है और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने आप का टेक केयर करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय फॉर नाउ।